नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप। बीते कुछ सालों में ईद और रमजान, कुछ लोग रमादान भी कहते हैं, इसके दौरान एक मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर खूब वायरल होता था, जिसमें लिखा होता था कि रमजान में राम होता है और दिवाली में अली होता है। इस बार ये आपसी सौहार्द वाला मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक से गायब था। अब की बार रमजान वाले राम नदारद थे। अब की बार अगर कोई थे तो वो थे खंजर वाले राम। लोगों को इस खंजर वाले राम के साथ मैसेज भी आने लगे। पूरी ईद तक ये डीपी हर हिंदू के मोबाइल में होनी चाहिए। ये तस्वीर संभवतः आपके पास भी आई होगी। और जंगल में लगी आग की तरह अगले आधे घंटे से कम के भीतर आधे से ज़्यादा लोगों की डीपी बदल गई, राम राम हो गई। ये डीपी गोया एक सर्टिफिकेट था कि आप हिंदू हैं। लेकिन फिर ये डीपी भी शक के दायरे में आ गई जब एक बच्चे ने बताया कि ये सब मुसलमानों की साजिश है। बच्चा फ़ोटो को जूम करके समझा रहा था और हम समझ रहे थे। बच्चे ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आपके सामने एक हकीकत लेकर आया हूँ। देखिए, आप सबने व्हाट्सएप में ये डीपी रखी है राम नाम का, लेकिन ये हकीकत में राम नाम का है नहीं। ये आप लोगों को हिंदू लोगों को उल्लू बनाने के लिए मुसलमानों ने ये किया है। आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। उल्लू बनाने के लिए मुसलमानों ने ये किया है। आपको अभी हकीकत बता दो, हमारे राम के नाम पर ये देखो हथियार टाइप का खंजर लग रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों का ही होता है, हमारे हिंदुओं का नहीं है। एक दो और या एक तीन। फिर नरेश ने एक्सप्लेन किया कि इसमें तीन खंजर हैं, खंजर हिंदू यूज नहीं करते, गोया कि हथियारों में भी हिंदू मुसलमान होता हो। इस वीडियो में नरेश हम सबको फोटो जूम करके भी दिखाता है कि इसमें जानवरों के कटे हुए अंग हैं। इसके अलावा नरेश हमें इस फोटो में कटी हुई गाय भी दिखाता है और अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध करता है कि प्लीज़ आप अपनी ये डीपी हटा दीजिए और दूसरी डीपी रखिए। अब इस सब में एक बड़ी हास्यास्पद बात है और एक सबक है। हास्यास्पद बात यह है कि अब समझ में लोगों के ये नहीं आ रहा है कि क्या राम नाम के चक्कर में उन्होंने किसी मुस्लिम प्रोपोगेंडा को प्रचारित तो नहीं कर दिया। मतलब डिलेमा, कन्फ्यूज़न या धर्म संकट, ऐसा है कि हर कोई अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये अंतर है भेड़ चाल और अपने विवेक से काम करने वाले लोगों के बीच। भेड़ चाल वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, भीड़ का हिस्सा। ये झंडा उठाए आगे रहने का मादा नहीं रखते। इन्हें लगता है कि जब इनके कर्मों के चलते उन्माद फैलेगा तो ये अपने घरों में सेफ रहेंगे। इन्होंने लोगों को मरते हुए नहीं देखा है। ये हास्यास्पद है, लेकिन अब जो सबक है वो बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिन्हें सबक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इन सब में शामिल नहीं हैं और ना ही कभी होंगे, उनके पास विवेक नाम की चीज़ पहले से है। दूसरे वो लोग हैं जो धर्म और राम नाम का प्रयोग किसी विशेष समुदाय को चिढ़ाने और घृणा पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ये दूसरी तरह के लोग सोचें कि जब श्री राम अपने सामने उन्हें बिठाएंगे और ये लोग बताएंगे कि किसी धर्म विशेष के लोगों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने राम का इस्तेमाल किया, तो क्या राम उन्हें शाबाशी देंगे? ये कौन सा पुण्य का काम कर रहे हैं लोग व्हाट्सएप में राम की फ़ोटो लगाकर, भक्ति या प्रेम के चलते नहीं, अराजकता फैलाने के लिए। हमें इन लोगों की मूढ़ता देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन दुख भी होता है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इनका इस्तेमाल हो रहा है एक संख्या की तरह। जब विवेक मर जाता है तो आदमी गिनती हो जाता है। 500 लोग मारे गए जुलूस में, 1,00,000 लोग आए थे, 500 लोग मारे गए। ये 500 लोगों में से एक बनना बड़ा आसान है, मगर समझ का पैदा होना मुश्किल है। इस्तेमाल होना बहुत आसान है, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी ईश भक्ति के नाम पर, कभी किसी नेता, किसी कलाकार, किसी की भी भक्ति के नाम पर। तो हमें इन मारे जाने वाले 500 लोगों, जुलूस में आने वाले 1,00,000 लोगों, नारे लगाते आंखों पर पट्टी बांधे लोगों से कुछ नहीं कहना है। इनका राम हमारा राम नहीं है, हमारा राम डरावना नहीं है, हमारा राम तीन खंजर वाला राम नहीं है, हमारा राम डीपी और व्हाट्सएप वाला राम नहीं है, हमारा राम दूसरों के त्योहारों का मज़ा किरकिरा करने वाला राम नहीं है, हमारा राम उन्माद फैलाने वाला, हत्याओं को अंजाम देने वाला राम नहीं है, और हमारा राम जो है वो इन्हें दिखता नहीं है। बहरहाल, नरेश अपने वीडियो के पहले ही कुछ वाक्यों में दो बार हकीकत शब्द का इस्तेमाल कर लेता है, जो एक सच्चा हिंदू कभी नहीं करेगा। लेकिन नरेश हमारी नज़र में हिंदू या मुस्लिम नहीं, एक बच्चा है, एक अबोध बच्चा। हमारा राम उसे माफ़ करेगा, क्योंकि हमारा राम किसी व्हाट्सएप की डीपी नहीं है, हमारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम नाम की इस डीपी पर पिछले कुछ दिनों से जो बवाल मचा हुआ था, उसका एक पहलू हमने आपको दिखाया। ऐसे ही तमाम पहलू हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप भी उन विवेक भरे लोगों की जमात में शामिल खड़े नजर आएंगे।
ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए द ललन टॉप के साथ। हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग लगातार एक दूसरे से जुड़े रहें। बेल आइकन दबा देंगे तो हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। शुक्रिया।